नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे सऊदी अरबिया से रिलेटेड। जी हाँ साथियों, बहुत सारे लोग हैं जो किसी भी कंट्री के, खास तौर से इंडिया की हम बात करें तो बहुत सारे आप लोग जो बैठे थे कि भाई सऊदी अरबिया अभी फ्लाइट चालू कर सकती है, पहले जनवरी का सोचा फिर फरवरी में पहुंच गए। जी हाँ, और जिस तरह से माहौल बन रहा था कि भाई वैक्सीन आ गई, कोरोना कम हो रहा है वगैरह वगैरह, तो फ्लाइटें चालू हो सकती हैं। लेकिन भाई आपको पता है, दुबई दुबई को छोड़ के जैसे सऊदी है, कुवैत है, ये तो आपको नेगेटिव खबर देने में सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड ये कंट्री दोनों हैं। हालांकि कोरोना का इतना प्रभाव नहीं है, लेकिन ये डरते हैं। सऊदी अरबिया ने 20 कंट्रियों पे बैन लगा दिया। जी हाँ साथियों, जिसमें बड़े बड़े अच्छे अच्छे देश भी, जिसको नॉर्मल देश नहीं मान सकते, उनको भी उन्होंने बैन कर दिया। और बढ़िया तरीके से, ये नहीं कि एकदम वो आ जाएंगे, वो उसको छूट मिल जाएगी, टोटली बैन कर दिया। जी हाँ, इसका सबसे बड़ा रीजन क्या हो सकता है भाई? ओनली फॉर बात करें तो कोरोना की बात, बस कोरोना ही है। तो कोरोना की अगर बात करें सऊदी अरबिया में, अभी जैसे 5-6 फरवरी की बात कर लेते हैं, 5 फरवरी की, तो एवरेज अगर देखा जाए तो अब तक 3,70,248 केस कोरोना के आए। जी हाँ साथियों, और डेथ रेशियो हालांकि कोई ज्यादा नहीं है, डेथ रेशियो की बात करें तो लगभग 6,500 के करीब डेथ रेशियो आया। जी हाँ, और इसमें रिकवरी बहुत अच्छी है भाई, 370 में से 360 तो रिकवर हो गए, यानी 8-9 हजार पेंडिंग केस पड़े हैं, बाकी ज्यादा नहीं है। लेकिन दिक्कत यहाँ एक बात और आ गई कि सऊदी में जहां 500-700 केस रोज आ रहे थे, अब वो बढ़ के अचानक से आंकड़ा हो गया एवरेज 4,000 के करीब, यानी वही दुबई का और सऊदी का एवरेज सेम आ रहा है कोरोना के मामले में लेके। तो भाई इसी तरीके से अगर छोटी सी कंट्री का, जहां पॉपुलेशन बहुत कम है, इतनी पाबंदी लगाने के बावजूद इस तरह से केस बढ़ने लग गए, तो डरना लाजमी है, बनता है। वैसे देखा जाए तो हम अपने स्वार्थ के हिसाब से देखें तो दिक्कत है, लेकिन वो अपने हिसाब से समझते हैं तो भाई दिक्कत है। इंडिया को देखते हुए उस कंट्री का एक इतना सा भाग है जनसंख्या के मामले में, उसका भी फिर 4,000+ या 4,000 के करीब केस आना कोई छोटी बात नहीं है। यहाँ पे मैं बात करूं 20 कौन कौन सी कंट्रियां हैं, उनको पूर्ण रूप से वर्करों को तो बैन किया ही है, डिप्लोमेटिक और स्वास्थ्य से संबंधित भी अगर उनका कोई इश्यू है तो उनको भी बंद कर दिया। डिप्लोमेटिक समझते हैं गवर्नमेंट के जो भी काम से रिलेटेड लोग आते जाते हैं, डेलीगेशन वगैरह। स्वास्थ्य यानी हॉस्पिटलाइज से रिलेटेड उनको भी बैन कर दिया, वो भी नहीं जा सकते 20 कंट्रियों में। देख लीजिए भाई, सबसे पहले बात करें अर्जेंटीना, जी हाँ साथी, उसके बाद ब्राजील, यूएई, जर्मनी, यूएस यानी अमेरिका भी बैन कर दिया भाई, इंडोनेशिया, आयरलैंड, इटली, जी हाँ साथी, ये कंट्रियां हैं। उसके बाद हम बात करें पाकिस्तान को भी बैन, फ्लाइट बंद है, पुर्तगाल है, यूके, जी हाँ साथी, यूके को भी बैन कर दिया भाई, यानी जो इंग्लैंड है जिसको दूसरा कोरोना था स्टोन वगैरह, उसको भी बैन कर दिया। तुर्की है, अफ्रीका है, स्वीडन है, स्विट्जरलैंड है, फ्रांस, लेबनान है, इजिप्त है, इंडिया और जापान। जी हाँ साथी, इंडिया की भी फ्लाइटें बैन, हालांकि इंडिया से तो पहले ही बैन दी थी भाई, कहाँ फ्लाइटें चल रही थी। लेकिन सबसे माइनस पॉइंट पता है कौन सा है? तुर्की का, यानी काफी लोग तुर्की से वहां जा रहे थे सऊदी, या फिर है दुबई का, यूएई का। जी हाँ सचिव, यूएई की फ्लाइटें बैन करने का मतलब आप समझ सकते हैं, आप लोगों के लिए फ्लाइटें बंद हो चुकी हैं यूएई के लिए। हालांकि ये देखते हैं फरवरी में कब वापस ओपन हो जाते हैं, लेकिन एक बार के लिए इनको स्टॉप कर दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं भाई, यूएई जाने वाले किसी भी प्रकार के, कोई भी आपके पास रास्ता यूएई से जाकर सऊदी नहीं जा सकते, या डायरेक्ट आप सऊदी जाने वाले कोई रास्ता आपके पास नहीं बचा है, सिर्फ और सिर्फ इंतजार करिए जिनके वीजा एक्सपायर हो गए वगैरह वगैरह। हालांकि थोड़ी बहुत न्यूज चल रही है, वो सरकार ओपन कर देगी, उनको रिस्टार्ट कर देगी वगैरह वगैरह, लेकिन देखते हैं आगे फाइनल डिसीजन गवर्नमेंट का क्या होता है। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय।